आई एम श्योर कि आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया होगा. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रीलांसिंग की जॉब आई है और उस जॉब में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना है उस वेबसाइट में. एक तो है कि आपने वेबसाइट के कोड में किस तरीके से जाके गूगल एनालिटिक्स के ट्रैकिंग आईडी को इंटीग्रेट करना है. वो आगे चल के आप डिजी स्किल्स के दूसरे कोर्सेज के अंदर डिटेल में सीखेंगे बिकॉज दैट इज़ ए हार्ड कोर टेक्निकल नॉलेज. लेकिन गूगल एनालिटिक्स में किस तरीके से ट्रैकिंग आईडी जनरेट होता है वंस यू हैव लॉग्ड इन इनटू गूगल एनालिटिक्स, आइए ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टी के थ्रू किस तरीके से हमने ट्रैकिंग आईडी को जनरेट करना है. गूगल एनालिटिक्स के मेन इंटरफेस पर आप लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी. इसमें सबसे एंड में एक ऑप्शन है एडमिन की. वंस यू क्लिक ऑन द एडमिन बटन, ये आपको एनालिटिक्स के सेटिंग्स प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. इन ऑप्शंस को अपने तौर के ऊपर सर्च कीजिए और देखिए कि अकाउंट सेटिंग और यूज़र मैनेजमेंट में क्या कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है. अक्सर यूज़र मैनेजमेंट में आप डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर रहे होते हैं. यहाँ ये हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको एक्सेस दे दे अपने एनालिटिकल अकाउंट का भी. मिडल वाली जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है ये है जहाँ से आपने ट्रैकिंग आईडी को जनरेट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइम ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करूँ तो मुझे जो ट्रैकिंग कोड गूगल एनालिटिक्स शो करेगा वो वाला कोड है. फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिंग आईडी मुझे नज़र आ रहा है, ये वो आईडी है कि जो वेबसाइट मैंने ऐड की थी वाइल साइनिंग अप इनटू गूगल एनालिटिक्स, उसका जो आईडी जनरेट किया था गूगल ने ये वो वाला आईडी है. लेकिन अगर मैंने एक नई वेबसाइट ऐड करनी है विद इन द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर तो आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट प्रॉपर्टी बटन विच इज़ इन द ब्लू कलर. और क्रिएट प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सिमिलर स्क्रीन आ जाएगी जो साइनअप के दौरान आती है. आपने वेबसाइट को ट्रैक करना है या मोबाइल ऐप को ट्रैक करना है. फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ वेबसाइट आई विल राइट वेबसाइट टू और उस वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं यहाँ लिख लूँ और उस वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं यहाँ लिखूँगा. फॉर एग्जाम्पल www.examplewebsite.com और कैटेगरी में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा. रिपोर्टिंग टाइम जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा. एंड वंस आई क्लिक ऑन गेट ट्रैकिंग आईडी, गूगल एनालिटिक्स जो है वो मुझे ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके दे देगा. तो लेट्स सी कि अगर गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी जनरेट करता है इस टाइम एंड इट हैज़ बीन डन. तो ये देखें ट्रैकिंग आईडी जो है वो ये जनरेट हो गया. अब इस ट्रैकिंग आईडी को यूज़ करके दो तरीके हैं कि किस तरीके से आपने इसको एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट में. एक तो है ग्लोबल साइट टैग के थ्रू. ये सारा स्टेप बाय स्टेप गूगल बड़े आसान तरीके से आपको बताता है कि आपने कोड में आफ्टर दी हेड विद इन द कोड ऑफ योर वेबसाइट आपने इसको ऐड करना है उस तमाम पेजेस पे जो जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स एम्बेड होने की एक ऐप मौजूद है तो फिर तो मामला बहुत ही आसान हो जाता है. जैसा फॉर एग्जांपल अगेन wix.com की मैं एग्जांपल दूंगा, इवन वर्डप्रेस पे भी ये सहूलत मौजूद है कि यू कैन क्लिक एंड यू कैन ऐड गूगल एनालिटिक्स ऐप विद इन योर वेबसाइट और वहाँ आपने सिर्फ ये ट्रैकिंग आईडी देना है और बैक एंड में जो भी टेक्निकल कोडिंग करनी है वो प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर वो खुद कर रहा होता है. यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग ओवर देयर. अब जब आपने टैग ऐड कर दिया और ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दिया तो होगा ये कि तमाम डाटा आपकी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स रिसीव करेगा और जब डाटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा तो उसकी बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट की जितने भी एनालिटिकल डाटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. कितने लोग आए, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन सा पेज ज़्यादा पॉपुलर है, किस वेबसाइट से लोग आ रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स में अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. यूजली मेरे एक्सपीरियंस में तकरीबन 48 घंटे लगते हैं गूगल एनालिटिक्स को इन द बिगिनिंग अपडेट होने में. लेकिन जैसे जैसे गूगल एनालिटिक्स अपडेट हो रहा होता है उसके बाद एक स्टेज आती है कि लाइव डाटा भी आपके सामने अपीयर हो रहा होता है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग ऑफ गूगल एनालिटिक्स. अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं कि जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और डाटा का रोल बहुत ज़्यादा है उनकी डिसीजन मेकिंग में, तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स. और एज एन एग्जाम्पल अपने तौर के ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट या अपने किसी YouTube पेज को, इवन यू कैन ऐड YouTube पेज ओवर हेयर ऑल्सो, YouTube पेज को एनालिटिक्स के साथ एम्बेड करें और ज़रा देखें कि किस तरीके से डाटा जनरेट होता है. बट दिस इज़ द वे टू क्रिएट द ट्रैकिंग आईडी. ट्रैकिंग आईडी जनरेट करें, एम्बेड करें एंड यू आर ऑल सेट.